आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेक न्यूज़ से कैसे बच सकते हो, जो कि कोरोना वायरस मतलब कोविड-19 से रिलेटेड पूरे मार्केट में फैली हुई है, पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो आप कैसे पता कर सकते हो कि कोई भी न्यूज़ जो है वो पूरी ओरिजिनल है या फेक है, तो इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप पता करो कि जो भी आपके पास न्यूज़ आ रही है, जो भी मैसेज आ रहे हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हो उसका सोर्स क्या है। अगर उसका कोई सोर्स या कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है तब आप उस पर भरोसा ना करो, क्योंकि ये हो सकता है कि ये रूमर हो और खाली वायरल मैसेज करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हों। तो हो सकता है कि जो चीज़ का आपका रेफरेंस ना दिया हो, क्या पता वो चीज़ फेक हो और ऑथेंटिक ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई मैसेज या कोई भी वीडियो आती है, तब आप उसमें अगर आपको रेफरेंस दिया भी गया हो, तो आप चेक करो कि वो जो रेफरेंस है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो फेक है कि नहीं है। क्योंकि कई अभी जो है बहुत सारी फेक वेबसाइट्स पे क्रिएट हो चुकी हैं, और जो कि क्लेम करती हैं कि वो ओरिजिनल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। तो WHO की भी बहुत सारी फेक वेबसाइट बन चुकी हैं और उन सब की भी लोगों में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। तीसरी चीज़ है बैड इंग्लिश, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो फेक न्यूज़ और फेक कंटेंट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है और वर्बल कंटेंट बहुत ज़्यादा बेकार होता है। तो जो फेक जर्नलिस्ट होते हैं या जो फेक वेबसाइट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी मिस्टेक्स करती हैं, और जो अच्छे जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट होते हैं और जो गुड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो बहुत कम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करती हैं। तो इन चीज़ों पर भी आप ध्यान देना। तो इन सब से बचा कैसे जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का यूट्यूब चैनल है वो आप देख लो, वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक और जेन्युइन है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो WHO का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। और तीसरी चीज़ ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ऑफ इंडिया है उसकी यूट्यूब चैनल जो है वो भी आप देख सकते हो, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स है उसका आप वेबसाइट भी देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट, वो भी काफ़ी ज़्यादा सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी आपको वहाँ पे। और बाकी एक और चीज़ है कि दो वेबसाइट्स हैं जो कि फैक्ट चेक करती हैं कि कोई वेबसाइट, कोई भी न्यूज़ जो फैल रही है वो फेक है कि नहीं है। तो पहली जो है वो है AP फैक्ट चेक, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप चेक करो। इस पर बहुत सारी आपको फेक न्यूज़ के खिलाफ चीज़ें मिल जाएंगी जो कि फेक फैल नहीं है मगर वो ओरिजिनल नहीं है। और दूसरी ये है कि जो fullfact.org ये करके वेबसाइट है, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, आप फेक न्यूज़ से बच सकते हो और पता कर सकते हो कि कोई इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आ रही है वो फेक है कि नहीं है। बाकी एक और चीज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने एक PDF भी रिलीज़ की है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप आराम से देख लेना, बहुत ज़्यादा अच्छी PDF है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि जो फेक न्यूज़ फैल रही है उन सबसे आप बच पाओ, और जितना ज़्यादा हो सके ओरिजिनल कॉन्टेंट और ओरिजिनल जेन्युइन जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को आप जान पाओ। तो या आज के लिए इतना ही। सी या हैव अ गुड डे और स्टे सेफ। बाय।